वाइब चेक करो यार, पटाखे वटाखे होली दिवाली सब कुछ मन रही है भाई। भीड़ चेक कर रहे हो, खतरनाक खतरनाक, मतलब अलग लेवल का यार सच में। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है हल्दीराम पे। हेलो जी, हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा सुबह के 9:50 एंड सबसे पहले आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज मेरे आपके हम सब के प्रभु श्री राम अयोध्या में पधार रहे हैं। और अयोध्या में तो पधार रहे हैं, मुझे लगता है कि हम सबके घरों में भी पधार रहे, हम सबके दिलों में पधार रहे। और भाई जो आज एक्साइटमेंट है ना मेरी, और मुझे लगता है सब लोगों की, एकदम अलग लेवल की यार। और आज ही नहीं यार, पिछले मतलब 8-9 दिनों से, 1-2 हफ्तों से जो एक्साइटमेंट चल रही है ना, मतलब देहरादून में ले लो, मुझे तो लगता है कि पूरे भारत में इतनी अलग लेवल की एक्साइटमेंट है ना सच में। और भाई बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। और भाई कल रात को मैंने सोचा था कि आज मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ जाऊंगा, क्योंकि भाई नहाना वगैरह, मतलब देखो आज मतलब राम जी पधार रहे, इसका मतलब ये नहीं कि बस मैं रोड पे जाके झंडे उड़ाऊंगा, डांस वगैरह करूंगा, पूरी मतलब पूजा वगैरह करनी थी, सब कुछ करना था। तो मैंने सोचा था कि आज मैं सुबह उठ जाऊंगा, 7-8 बजे का अलार्म लगाया था, बट भाई मेरी नींद अपने आप ही 3 बजे खुल गई। मतलब राम जी ने बोला कि भाई 7 बजे भी बहुत ज़्यादा लेट है, तो भाई तू 3 बजे उठेगा। उसके बाद मैंने ऐसी मतलब इतनी जल्दी तो मैं क्या ही करता। उसके बाद मैंने भजन वगैरह सुने, थोड़ा सा घर के थोड़ा बहुत काम वगैरह की सफाई सफाई की, एंड अभी तो मैं पूरा नहावा के रेडी हो चुका हूँ। पूजा मैंने कर ली अपने घर में, टीका वीका सब कुछ लगा दिया, बट अभी मुझे बालाजी के मंदिर जाना है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वहाँ नहीं गया हूँ, क्योंकि बीच में घर भी गया था ना, और उससे पहले भी काफ़ी टाइम तक नहीं गया था। तो सोचा भाई आज राम जी पधार रहे तो चलो हम भी चले जाते थोड़ा सा। बाकी अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। एंड हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको, आज का वैसे मेरा प्लान है कि दिन में 12-1 बजे करीबन मतलब घंटाघर जाऊंगा, वहाँ कुछ जैसी झांकी वगैरह निकलेगी राम लक्ष्मण सीता जी की, है ना। तो देखते हैं भाई क्या क्या सीन होता है। बाकी रात का भी प्लान है, अभी तो मतलब कुछ भी ऐसा कुछ पता नहीं है। बस इतना मुझे पता है कि आज का जो दिन होगा ना वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक होगा यार, मतलब इतना हैक्टिक होगा कि मतलब मुझे खुद से मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी ब्रेकफास्ट करना है, पहले अभी मंदिर जाऊंगा ना, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूंगा। एंड अभी फटाफट में चलता हूँ बाहर से, कुछ मतलब ऐसे विंडचीटर वगैरह डालते हैं और फटाफट चलते हैं, बिकॉज सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, और फटाफट दर्शन करके आते हैं हमारे बालाजी के। तो अभी आपको सीधा मोटो व्लॉग पे मिलते हैं फिर से। ऑलराइट गाइस, अभी मैं निकल चुका अपने घर से, एंड घर से निकलते ही इतनी सर्दी लग रही है ना भाई मेरे पैरों में। ऊपर तो मैं विंडचीटर पहन के आया हूँ, नीचे बहुत सर्दी लग रही है यार, यहाँ थाइस में सच में भाई बहुत ज़्यादा। और वैसे भी आज मैं एकदम ठंडे पानी से नहा के आया हूँ, और ठंडे पानी से मैं क्यों नहाया, बिकॉज आज जैसे मैंने गीजर ऑन किया ना, 2 मिनट बाद लाइट ही चले गई, और भाई 10-15 मिनट तक आई नहीं, और अभी भी मेरे घर में लाइट नहीं है। मतलब लाइट तो आ गई, बट एक फेस पे लाइट है शायद से, मतलब एकदम डिम लाइट जब होती है ना वैसी वाली लाइट आई है अभी। तो मैंने बोला भाई नहा लेता हूँ मैं फटाफट, क्योंकि भाई फिर लेट हो जाऊँगा ना, और घर में आज बहुत सारे काम है यार, बहुत सारे। बाकी आज बहुत ही खुशी का माहौल है भाई सच में। मैं तो ना सुबह सुबह जब मैं 3 बजे उठा, तो मैंने बोला क्या करा, तो मैंने सोचा कि चलो भजन लगा देते हैं। मैं भाई ना सोते सोते नाच रहे थे भाई, कसम से भाई जो एक्साइटमेंट है ना आज की सच में, और इतने दिन से हो रही है। एक तो मतलब 1-2 दिन पहले हमारे एग्जाम चल रहे थे ना, तो इसलिए मैं झांकी देखने नहीं गया था। मतलब घंटाघर में तो आजकल हमेशा रात को प्रोग्राम हो रहा है यार, 7-8 बजे एकदम, तो इतना अच्छा सा डांस होता है ना, बट मैं हमेशा मिस कर देता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं पक्का जाऊँगा यार, एक बार मम्मी से परमिशन ले लूँगा, उसके बाद फटाफट चले जाऊँगा। अरे बच्चे लड़ाई क्यों कर रहे हो तुम। हाँ तो भाई आज तो मैं पक्का जाऊँगा सच में। बाकी सर्दी बहुत तेज लग रही है यार सच में भाई, क्या ही बताए, एकदम पैर जम गए मेरे सच में, इसलिए मैं अभी पूरा पैक होके आया हूँ। और मैं अभी चप्पल पहन के आ गया अपने, क्योंकि अभी मंदिर में जाना है ना, तो फिर मतलब जूते अगर पहन के आता तो फिर उतारो लेस खोलो, इसलिए भाई चप्पल सबसे बढ़िया है। एंड अभी मेरे कैमरे पे बैटरी भी नहीं यार, मतलब 40% है शायद से, अभी तो मतलब 30 हो गई होगी, जब मैंने घर में व्लॉग किया था ना उस टाइम पे थी यार 42-43, और ये पता नहीं क्यों ही अपने आप पावर ऑफ हो जा रहा, मतलब बता रहा है कि बैटरी लो, जबकि इसमें 42-43 है और अपने आप ही पावर ऑफ हो जा रहा। भाई कोहरा देखो, आपको कुछ दिख भी रहा है क्या व्लॉग में, मुझे तो लग रहा है बस स्कूटी दिख रही होगी भाई, चारों साइड कोहरा जमा, उधर तक कुछ नहीं दिख रहा, आगे भी कुछ नहीं दिख रहा, हल्के हल्के सब पहाड़ दिख रहे, और इधर भी कुछ नहीं दिख रहा, बहुत अलग लेवल का कोहरा जमा यार। तो ये लो भाई, पहुंच गया मैं आपके श्री बालाजी धाम, एंड अभी यहाँ पे स्कूटी पार्क करते हैं। यार स्कूटी कहाँ पे पार्क करो यार, तो जगह भी यहीं पे कर दूँ क्या, अंकल लोग निकाल लेंगे क्या, ये तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, बस हमारे चक्कर में इतनी इतनी लगा देता हूँ, अंकल वैसे इजीली निकाल देंगे है ना, इतना ठीक है वैसे। हाँ वाइट लाइन के अंदर होनी चाहिए स्कूटी बस अपनी। बाकी ये मैं कुछ प्रसाद लेके आया था यार, मिठाई वगैरह, ऐसे खाली हाथ क्यों आना। हाँ ये ग्लव से ही मैं उतार देता हूँ, एंड फटाफट चलते हैं भाई अभी। अरे एक का सिक्का भी तो लाया था मैं, अबे एक का सिक्का कहाँ गया, अच्छा सॉरी सॉरी,
चलो भाई अभी फटाफट अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। भाई आप लोगों को तो बाहर बाहर से ही दर्शन कराता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। अच्छा यहाँ भी आज कुछ फंक्शन वगैरह है यार, देखो बहुत सारी चेयर्स वगैरह लगाई है। बाकी चलो अभी मैं दर्शन करके आता हूँ फटाफट, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, अभी मैं दोबारा से रेडी हो चुका हूँ एंड ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा सब कुछ हो गया है। बाकी उसके बाद मैंने वहाँ पे व्लॉग इसलिए नहीं किया बिकॉज मेरा कैमरा बोलने लग गया था, मतलब पूरी तरीके से डेड हो गया था और मतलब फ्यूल वगैरह तो मैंने सब कुछ करा दिया है। बाकी अभी यहाँ पे मैंने आशीष को कॉल की थी, आशीष तो पहले यहाँ पे घंटा घर पहुँच चुका है, मतलब उसको कुछ और काम है ना, तो अभी हमारा मीटिंग पॉइंट वहीं पे गए घंटा घर का। बाकी अखिलेश भी आ रहा है, हम तीन जन जा रहे हैं यहाँ पे, एक चौथे भाई ने भी आना था आदित्य ने, बट उसका कुछ काम था घर में तो जिस वजह से वो नहीं आ रहा है। एक तो बच्चे इतना हल्ला कर रहे हैं ना बाहर भी, मेरा मन कर रहा है कि मुक्के मार दूं मैं यार। राम मंदिर बनना भाई, जय श्री राम बोलो, यहाँ क्या हल्ला क्यों कर रहे बिना बात के। बाकी अभी फटाफट चलते हैं। एक तो कैमरे में बैटरी ना, बैटरी का बहुत ज्यादा इशू है यार, लाइट ही नहीं है। वो तो अभी मैंने अपने यहाँ पे फोन अटकाया है और उसकी फ्लैश से मैं यहाँ पे व्लॉग बना रहा हूँ। बाकी अभी पूरा रेडी हो चुका हूँ, अभी कुछ नहीं करना है, पेट पूजा हो चुकी है, बाकी अभी राम जी की पूजा भी सुबह हो गई थी। बाकी फटाफट चलते हैं एंड अभी आपको सीधा मोटो व्लॉग भी मिलते हैं, एंड अगर झांकी वगैरह होगी तो मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा। बाकी रात का एक अलग से व्लॉग बनेगा इसके बाद वाला, मे भी अगर रात को जाएंगे तो, और अगर नहीं बनेगा तो फिर समझ जाना कि नहीं गए है ना। बाकी चलो अभी मोटो व्लॉग पे। ऑलराइट गाइस, मैं निकल चुका अपने घर से एंड टाइम अभी हो रहा 12:45 एंड अभी यहाँ से मुझे डायरेक्ट घंटाघर पे जाना है। मैंने आशीष को भी बोला कि घंटाघर पे आना, वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन टाइप की लगी है ना घंटाघर पे, तो वहाँ पे हमारा मीटिंग पॉइंट है एंड अखिलेश भी वहीं पे आ जाएगा। बाकी आशीष तो बस पहुँचने वाला होगा, मतलब वो घंटाघर के थोड़ा सा पास में था ना, मैंने आपको बताया था कि वो साइकिल लेने गया है। एंड यहाँ तो अभी कुछ झांकी वाकी तो दिख नहीं रही यार, बाकी आज सारी दुकानों पर सारी गाड़ियों पर भाई भगवा कलर के झंडे, जय श्री राम के झंडे। वैसे मुझे भी लगाना था अपनी एक स्कूटी में, मुझे कहीं पर दिखाई नहीं यार। और भंडारा भी आज बहुत सारी जगह पे यार, बहुत ही सारी। एंड अभी मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ तो अभी मुझे इतनी भूख नहीं लग रही यार। ये देखो ई रिक्शा पे झंडा, थार पे झंडा, पीछे एक स्विफ्ट खड़ी है उस पे झंडा, यहाँ राम मंदिर की फोटो इस पे झंडा, भाई मतलब अलग लेवल का यार। बस कहीं पे झांकी दिख जाए ना, और मतलब खतरनाक डीजे जो बजते हैं ना, ये तो थोड़ा नॉर्मल टाइप के यहाँ पे भी बज रहे हैं, और जो एकदम अलग लेवल के जो डीजे होते हैं ना भाई, उनमें जो गूज़बम्स आते हैं ना, जो रेंगटे खड़े होते हैं ना अंदर से, भाई मैं क्या ही बताऊँ। सुबह सुबह मैंने आपको बता रहा था कि मैंने भजन बजाए, भाई जो मज़ा आ रहा था ना भजन में, लेटे लेटे नाच रहा मैं ऐसा ओए होए होए टाइप का। सच में यार बहुत ही अलग लेवल का दिन है यार आज, और ये हमेशा याद रखा जाएगा यार। 22 जनवरी मतलब क्या ही दिन है यार, सच में बहुत प्यारा दिन, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही शुभ दिन है यार। गाइस अभी बस घंटाघर पहुंचने वाला हूं और यहां से ही मतलब भीड़ बढ़ागा, जो वाइब सारी है ना दिक्चुक, अबे यार खतरनाक खतरनाक भाई, जो भीड़ लगी है ना। अरे भाई यहां पे डांस वांस हो रहा है क्या? अच्छा यहां पे भंडारा भंडारा भी है ना, और यहां से भी कोई झांकी वांकी निकल रही है शायद से। भाई आज अलग लेवल का, अलग लेवल का। ये देखो डांस वांस, जय श्री राम। भाई ये चाहिए भाई, ये चाहिए सच में भाई, मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा डांस वांस करने का। बाकी अभी आशीष और अखिलेश आ जाए ना, उसके बाद हम अपनी स्कूटी कहीं पे पार्क कर देंगे एंड उसके बाद हम भी पैदल घूमेंगे, नाचेंगे फिरेंगे। बाकी रात का देखते हैं यार क्या प्लान होता है, अगर दोस्त लोग बोलेंगे तो तभी मैं जा पाऊँगा, वरना अकेला देखूँगा, अगर मन करेगा तो आऊँगा, वरना तो फ्रेंड के साथ ही आऊँगा यार। अकेला तो मेरा ऐसा है कि बस 5-6% है कि अकेला आऊँगा, और कि दोस्त लोग आएंगे तब तो पूरा 100% है यार। बाकी मैं तो बस क्लॉक टावर पहुंच गया और यहाँ पे ये क्या देखने को मिल रहा है मुझे भाई, भीड़। शिट यार ट्रैफिक लगा है बहुत ज़्यादा, आई थिंक रैली वैली निकल रही है यहाँ पे फिर से, मतलब फिर से क्या यार, पिछले 7-8 दिन से तो हमेशा निकल रही है भाई, रैली निकल रही है पक्का पक्का भाई। ये भगवा कलर के झंडे इतने प्यारे लग रहे हैं ना, सच में सबने लगाए, सब चीज़ जहाँ देखो वहाँ ये कलर के झंडे, गाड़ी पे, लोगों के हाथों में, बाइक्स में, दुकानों पे, पोल्स पे, कहाँ नहीं लगे यार। सच में बहुत प्यारा लग रहा है यार देख के, सच में यार मतलब सदियों पुराना, मतलब जो ना सबके मतलब ऐसे दिल में था कि कब बनेगा राम मंदिर, कब बनेगा। और मैं और मतलब मेरे साथ की जो भी जनरेशन है, जो लोग हैं, वो इतने ज़्यादा खुश हो रहे होंगे ना, मतलब हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है यार, सच में मतलब बहुत बड़ी बात है यार ये। और भाई ऐसे नहीं कि बस ये शहरों में हो रहा है, गांव-गांव तक सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं यार, बहुत खुशी की बात है यार सच में। अच्छा यहाँ पे भंडारा मिल रहा है ना, ओके ये यहाँ जाना है अभी हमें, पल्टन मार्केट कहीं पर स्कूटी पार्क करते हैं ना, यहाँ अंदर बहुत प्यारा सजा रखा है यार। बाकी क्लॉक टावर तो पहुँच गए हम, यहाँ की तक खाली सा, और खैर अभी रात के टाइम पे यहाँ पे एक स्क्रीन है, कहाँ पे हो पता नहीं कहाँ पे है, हाँ एक ये, अच्छा वो है स्क्रीन वहाँ आगे पे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाता हूँ यार। अच्छा ये तो रहा आशीष,
भाई मैं बोल रहा आशीष कहाँ है, तू कैसे पहुँचा टाइम पे? टाइम पे कैसे पहुँचा? कितने बजे आया? मतलब अभी आया ना, तब ठीक है। मैं पीछे भाई वहाँ पे जाम लगा हुआ पीछे, वहाँ पे भंडारा वंडारा बिक, अबे खतरनाक वहाँ पे डांस डूंस हो रहा है पीछे, मेरा मन कर रहा है उतर के नाच। क्या मस्त डेकोरेशन। हाँ भा, तो स्कूटी कहीं पे पार्क करनी कहाँ पे? सो देखो गाइस, अभी मुझे आशीष मिल चुका था वहाँ पीछे पे, एंड अभी हम यहाँ पे अपनी स्कूटी पार्क कर रहे हैं। ये देखो ये स्कूटी और आशीष की वहाँ आगे पे है। बाकी अभी यहाँ से हम पैदल जाएंगे, पलटन मार्केट जाते हैं, वहाँ डेकोरेशन इतनी प्यारी सी भी है ना, एकदम मस्त सी। बाकी अब मैं पूरा ब्लॉग करूँगा। एंड आशीष ये देखो भगवा कलर पहन के आया है, मेरे पास कुछ था ही नहीं यार भगवा कलर का, और मतलब कपड़े नहीं थे तो मैं ये वाला पहन के लाया। बाकी अभी ये प्रसाद इन्जॉय करते हैं जो ये अंकल ने दिया था ना। बाकी अभी यहाँ से डांस वांस कहीं पर अगर देखने को मिलेगा तो फटाफट करते हैं। बाकी या अभी मिलते हैं आपको सीधा पलटन मार्केट में। तो देखो गाइस अभी हम पलटन मार्केट में आ गए और भीड़ चेक करो यार, मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही। यहाँ के पे डीजे वगैरह बज रहे हैं एंड हनुमान चालीसा भी पढ़ी जा रही है भाई। बाकी यहाँ पे बहुत अलग लेवल का मजा आ रहा है भाई, भाई चेक करो भाई। ये देखो अभी आगे हम चलते रहते हैं, बाकी देखते हैं फटाफट। अखिलेश तो अभी आया नहीं, बस आशीष में ही घूम रहे हैं। अखिलेश आई थिंक 5-10 मिनट में आ जाएगा, अभी अभी तो नहा रहा था वो 12 बजे। अरे भाई यहाँ पे वाइब चेक करो यार, पटाखे वटाखे होली दिवाली सब कुछ मन रही है यार आज सच में। ये चेक करो यहाँ पे पूजा वूजा चल रही है शायद से। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पे हमने इतना ज़्यादा डांस किया, और ब्लॉग मैंने ज़्यादा नहीं किया बिकॉज बहुत ज़्यादा रश था और इतना शोर हो रहा था ना पहले तो कॉपीराइट वगैरह पड़ जाएगा। बट उसके बाद में मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया, थोड़ा सा एक जगह पे भंडारा खाया। ये मेरे पीछे पीछे से आ रहे हैं एंड अभी हम घर जा रहे हैं, तीनों लोग मतलब मेरे घर जा रहे हैं, उसके बाद हम शाम को आएंगे इधर। बाकी एक रास्ता यहाँ से भी था, मैं इस वाले रास्ते को एक तो भूल गया यार, यहीं से होगा शायद से। कहाँ गए। और वहाँ पे हमने इतना ज़्यादा डांस किया, इतना ज़्यादा, इतने थक गए ना हम सच में, अभी प्यास बहुत ज़्यादा लग रही। एक जगह पे हमने थोड़ा सा भंडारा तो खाया था, वो लोग आगे चले गए। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, हल्दीराम पे पहुँच जाएगा ना शायद, हाँ मेन रोड पे हल्दीराम वो घंटा करके आगे है ना। हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू दीदी, जय श्री राम। इधर से ही है, इधर से, हाँ दीदी ने बताया इधर से ही है, थैंक यू दीदी। वो प्रसाद ले ले। चलो भाई अभी यहाँ पे दीदी ने एक रास्ता तो बता दिया है, और ये आई थिंक कुछ ज़्यादा शॉर्ट है, दीदी बोलते रहेगी सीधे सीधे चले जाना। ये लो भाई पहुँच गया हम मेन रोड पे, जय श्री राम जय हनुमान। भाई खतरनाक सीन हो रहा है सच में, ये देखो अभी तक झांकी वाँकी पूरी निकल रही है भाई, भाई भीड़ चेक कर रहे हो, खतरनाक मतलब अलग लेवल का यार सच में। जो हमने एक्सपेक्ट किया था ना बिल्कुल डिट्टो वैसा ही हुआ, उसमें ना ज़्यादा ऊपर हुआ ना ज़्यादा कम हुआ, हाँ मतलब ऊपर ही हुआ होगा। जिस टाइम पे आशीष मैंने डांस किया उस टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया था, और गूज़बम्स ऐसे आ रहे थे ना, बहुत अलग लेवल का मज़ा आ रहा था। और आज भाई हर 50-100 मीटर के बाद भाई आपको कहीं ना कहीं पर भंडारा खाने को मिल जाएगा, कहीं पर हलवा मिल रहा है, कहीं पर छोले भटूरे, कहीं पर कचौरी, कहीं पर राजमा चावल, हाँ खीर है खीर। आशीष बोल रहा है कि लस्सी मिल रही है, चलो लस्सी पीते हैं वो इतनी प्यार। ओ भाई शिट 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 भाई क्या चल रहे, कभी भी कहीं से भी पटाखे फूट जा रहे, कभी कुछ हो रहा भाई। ये देखो यहाँ पे भी भंडारा लगा है, सब जगह हलवा मिल रहा, कहीं पे कुछ मिल रहा, बहुत मज़ा आ गया यार सच में। मतलब भाई सारे भारतवासी खुश होंगे यार आज सच में। एंड अभी 3:30 बज गए, अब तो हम शायद से 1.5-2 घंटा आराम करेंगे, सोते हैं भाई आराम से, एक नींद लगे पूरी अच्छी खासी, उसके बाद शाम को थोड़ा पटाखे वटाखे फोड़ेंगे भाई लोगों के साथ, मतलब अपने कज़न लोगों के साथ, एंड उसके बाद फिर से घंटाघर की ओर चलेंगे। एंड गाइस अभी यहाँ से मेरा घर बस आने वाला है। सो ओके गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा सो प्लीज़ हिट द लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट बिलो फेवरेट पार्ट और एनी क्वेरीज वगैरह। सो तब तक के लिए बाय पुचित।
Thank you.